हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम है, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। सर, आपने गंभीर आरोप खिचड़ी चोर को लेकर आप लगातार अमोल कीर्तिकर, जो उत्तर पश्चिम सीट से उम्मीदवार हैं उबाटा के, आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उसमें आज एक नया किरदार संजय राउत को जो है डाल रहे हैं। वजह क्या है इस आरोप में? वजह यह है कि मैं तो उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दृष्टिकोण से अपना काम कर रहा था। अचानक शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एमवीए और इंडिया अलायंस के तरफ से शिवसेना उबाठा ने एक खिचड़ी चोर को उम्मीदवार बना दिया। मैंने घोषित किया आप लोगों के सामने कि मैं इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर सकता। और जब कांग्रेस पार्टी या उबाठा भ्रष्टाचार को इतना महत्वपूर्ण मुद्दा मानती है, तो फिर एक खिचड़ी चोर के अभियुक्त को, खिचड़ी चोरी के अभियुक्त को जिसके ऊपर ईडी की जांच चले, उसको उम्मीदवार क्यों बनाया? ये मेरा सवाल था। उसके बाद जो हुआ सबको पता है। फिर मैं पूरे खिचड़ी घोटाले की जरा सब अध्ययन करने लगा, और अध्ययन करते करते मुझे समझ में आया कि असली खिचड़ी चोर तो संजय राउत है, और खिचड़ी घोटाले का किंग पिन और सूत्रधार तो स्वयं संजय राउत है। इनकी अपनी बेनामी कंपनी है जिसमें इनके साथ के घोषित पार्टनर हैं, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट को कोविड के जमाने में जब बीएमसी ने खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू किया तो 6,37,00,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी आप सप्लाई करें, लेकिन चूंकि इस कंपनी के पास खिचड़ी बनाने और सप्लाई करने का कोई अनुभव नहीं था, और संजय राउत की जो अपनी उसकी जो पहुंच है उसके आधार पर उनको यह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था फर्जी तरीके से, तो उन्होंने एक तो पर्सियन दरबार जैसी एक पुराने बड़े मशहूर रेस्टोरेंट का किचन का डॉक्यूमेंट यूज कर लिया। बाद में पर्सियन दरबार खुद कहता है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अपना एफिडेविट दे दिया उसने जाके, मतलब वो एक फ्रॉड किया। दूसरा, चूंकि अनुभव नहीं था इसलिए वो पूरा खिचड़ी बनाने के बजाय उन्हें एक सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, और सब कॉन्ट्रैक्ट देते समय 16 रुपए में सिर्फ 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का आदेश दिया। मतलब गरीब लोगों के लिए जो 300 ग्राम की खिचड़ी थी उसमें 200 ग्राम खिचड़ी संजय राउत की कंपनी ने और उसने चुरा ली। इसके बदले उनको 1 करोड़ की रिश्वत मिलती है, दलाली मिलती है। वो दलाली वो अपनी प्यारी सी बेटी और भाई और अपने पार्टनर के नाम पे लेते हैं। मुझे उनकी बेटी के लिए कोई मेरे मन में बुरा भाव नहीं है, वो मेरी बेटी की तरह है, मेरे मन में बहुत सहानुभूति है उस बच्ची के प्रति। लेकिन संजय राउत ने पहले भी अपनी पत्नी के नाम पर रिश्वत ली पत्राचाल घोटाले में, अब वो बेटी के नाम पर रिश्वत ले रहा है। तो ये इतना निकृष्ट काम है, इसकी कोई इंतहा नहीं हो सकती। तो ऐसा संजय राउत जो स्वयं खिचड़ी घोटाले में शामिल है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, और उसकी जांच के लिए ईडी को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए, और उसकी जांच के दरमियान उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये मांग लेकर के मैं आज आपके सामने। महाविकास अघाड़ी में जब आप थे तो क्या इस बात को आपने क्यों नहीं उठाया? समाज सवाल राजनीति में टाइमिंग का होता है, आज आप कांग्रेस पार्टी में नहीं है, अब आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जब महाविकास अघाड़ी में थे तब आपने क्यों आरोप नहीं लगाया, या खुलासा क्यों नहीं? क्योंकि अभी जानकारी मिली 15-20 दिन पहले, खिचड़ी चोरी का मुद्दा मैंने खड़ा किया था, उसके बाद मेरे पास जानकारी मिली जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया। तो जब जागो तभी सवेरा। ये आपके लिए मुद्दा बनने वाला है उत्तर पश्चिम सीट से, क्योंकि आप इच्छा जता चुके हैं लड़ाई। उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र का चुनावी मुद्दा खिचड़ी चोरी है, और कैसे शिवसेना उबाठा उम्मीदवार से लेकर नेता तक सब खिचड़ी चोरी में शामिल है, यही विषय जाएगा। आपका तय हुआ है कौन सी पार्टी में आप जा रहे हैं? कुछ तय नहीं हुआ भाई। आखिरी सवाल सर, कंगना रनौत के ऊपर जो है विजय वडट्टीवार, जो विपक्ष के नेता भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने उनके बीफ खाने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसपे कंगना रनौत ने आज सफाई भी दी थी कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख? मेरी एक भूमिका स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति क्या खाता है क्या पहनता है यह उसका व्यक्तिगत मामला है, इसके ऊपर किसी को आक्षेप लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता को मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में टॉप लीडर से लेकर के नीचे तक सब बीफ खाते हैं। अगर बीफ खाना पाप है तो कांग्रेस के लोग भी पाप कर रहे हैं, जो कि मेरा मानना है बीफ खाना पाप नहीं है। संजय निरुपम, कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया रिव्यू, मुंबई।